एहसान परामोश। एक बहुत घने जंगल में एक महात्मा अपने कुटिया में रहा करते थे। वह हमेशा तपस्या करते रहते थे। एक दिन जब वह अपने ध्यान में खोए हुए थे तो उनकी गोद में एक चूहा आ गिरा, जो एक उड़ते हुए कौवे की चोंच से छूट गया था। महात्मा ने उसे प्यार से उठाया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। परंतु एक दिन एक बिल्ली उस पर झपट पड़ी और चूहा अपनी जान बचा महात्मा की गोद में कूद पड़ा। महात्मा ने उसका बचाव करते हुए कहा, तो तुम बिल्ली से डरते हो, क्यों ना तुम्हें बिल्ली ही बना दूं, जाओ और बिल्ली बन जाओ। वाह, चूहा तो सचमुच बिल्ली बन गया। परंतु बिल्ली भी तो कुत्तों से डरती है। और वही हुआ, एक दिन उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया और बिल्ली झट से महात्मा के पास आ गई। ओह, तो अब तुम्हें कुत्ते से डर लगने लगा, अच्छा तो जाओ तुम भी कुत्ता बन जाओ। कहने की देर थी, बिल्ली कुत्ते में परिवर्तित हो गई। परंतु क्या कुत्ता निडर हो सकता है? अब उसे शेर से डर लगने लगा। क्यों ना तुम्हें शेर ही बना दूं, कम से कम फिर तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। और फिर सचमुच वह कमजोर चूहा देखते ही देखते एक शक्तिशाली शेर बन गया। परंतु महात्मा तो उसे आज भी शायद चूहा ही समझ रहे थे। शेर ने सोचा, जब तक महात्मा जिंदा रहेगा मुझे भी अपना पुराना रूप याद आता रहेगा, इसे समाप्त करने में ही मेरी भलाई है, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। इससे पहले कि शेर महात्मा पर हमला करे, महात्मा ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और बोले, जाओ एहसान फरामोश, दोबारा चूहा बन जाओ, तुम उसी लायक हो। बलशाली शेर फिर दोबारा चूहा बन गया। अच्छा तो बताओ बच्चों, इससे तुम क्या समझे? भोजन देने वाले हाथों को कभी घायल नहीं करना चाहिए।